बंटवारे के बाद संसाधनों से कमी हो गई, प्रति व्यक्ति आय कम है, हमारे यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है और हमारा लैंड लॉक्ड एरिया है। तो हम लोग का माननीय नेता नीतीश कुमार जी की पुरानी लड़ाई 2006 से लड़ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जब समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो उनके जो आका आते हैं बिहार में, तो इस पर बात नहीं करते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर युवा जेडीयू है, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जेडीयू के जो नेता है वो आप देखोगे किस तरीके से काफिला है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जातीय जनगणना झांकी है, विशेष राज्य का दर्जा देना बाकी है। और तस्वीरों में आप पीछे देखिए नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार का आंदोलन चल रहा है और विशेष राज्य के दर्जे की मांग है। युवा जेडीयू के लोग हैं, बड़ी संख्या में उतरे हुए सड़कों पर और मांग की जा रही है। मांग क्या हमारी, जो पुराने हमारा जो हक है, हमारा जो अभिमान है विशेष राज्य का दर्जा, चूंकि बिहार में झारखंड बंटवारे के बाद संसाधनों से कमी हो गई, प्रति व्यक्ति आय कम है, हमारे यहाँ बाढ़ है, सुखाड़ है और हमारा लैंड लॉक्ड एरिया है। तो हम लोग का माननीय नेता नीतीश कुमार जी की पुरानी लड़ाई 2006 से लड़ रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है, हमारा स्वाभिमान है और हमारी हक की लड़ाई है। और पूरे युवा संकल्पित हो रहे हैं कि सदन में इस बार नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने वाले 40 सांसद जाएं और इस बार विशेष राज्य का दर्जा संसद से, जब ये मांग उठे तो संसद में 40 के 40 सांसद एक मत में खड़ा हो जाएं। और जिस तरह से बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जब समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो उनके जो आका आते हैं बिहार में, तो इस पर बात नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी ये लड़ाई अपने लेने लड़ रहे हैं, बल्कि बिहार के आवाम के लिए लड़ रहे हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी की आबादी है पूरे देश के बनिस्पत, तो 65% से अधिक आबादी बिहार में युवाओं की है। और युवाओं को आगे आना पड़ेगा, चूँकि उनके सुनहरे भविष्य की लड़ाई है, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है और जय बिहार जय बिहारी की लड़ाई है, और उनके परिवार और उनके आवाम सबकी लड़ाई है। और बिहार के हक हुकूक की लड़ाई में हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ युवा साथी कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं और हर जिले में जाकर के, बिहार के तमाम जिलों में जाकर के हम लोग संकल्पित युवाओं को कर रहे हैं कि आइए जागिए अपने भविष्य के लिए, अपने बिहार के हक के लिए। जो पुरानी लड़ाई नीतीश कुमार जी ने छेड़ी है, वो लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना है। और एक बार नीतीश कुमार जी के समर्थन में 40 की 40 सांसद अगर संसद हल्ला करेंगे तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और ये चुनाव है, महापर्व है, आप लोग सचेत होइए। और बिहार में जिस तरह से रोजगार आपके साथ मिला है, विशेष राज्य का दर्जा मिला, तो हम भी टॉप के राज्यों में आ जाएंगे और हमारी भी स्थिति जो आगे वाले राज्य हैं, जो पहले से आगे हैं, उनसे आगे हम निकल पाएंगे। क्या लगता है, मिलेगा कि नहीं? नहीं, एकदम बिल्कुल मिलेगा। ये लड़ाई आज की नहीं है, हम लोग रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के पटना के सड़कों तक ये आंदोलन कर चुके हैं विशेष राज्य के दर्जा को लेकर। आज युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीतीश पटेल जी मुजफ्फरपुर के धरती पे हजारों युवा साथियों के साथ, हम लोग खुद्दीराम बोस और जुब्बा सहनी जी को माल्यार्पण करते हुए भारत माता नमन स्थल तक जा रहे हैं। मांग एक ही है, मांग पुरानी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। ये 13 करोड़ बिहारियों की मांग है, इसको पूरा कर दीजिए। ये इसमें आप राजनीति नहीं कीजिए। आपके समय ही क्यों ऐसी मांग होती है? हमारी लड़ाई 2006 से और हमारा किसी से लड़ाई नहीं, नहीं, नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा। आप लोग सड़कों पर नहीं, ऐसा बात नहीं। विशेष राज्य का दर्जा 2006 में भी लड़े, बीच में हमने पटना में रैली हुई, दिल्ली में रैली हुई और लगातार जब भी कमेटियां बनी हम लोगों ने बुरजोर तरीके से, हमारी सरकार और हमारे नेता ने इस बात को समर्थन किया। बीच में हम लोग सर्वसम्मति से हम लोग सदनों में पारित किया, आगे बढ़े और ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। और महापर्व में ये बिहार लेके रहेंगे बिहार के हक है। और जय बिहार जय बिहारी, इस बार विशेष राज्य की दर्जा, इस बार विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा हम लोग लेकर रहेंगे।